फतेहाबाद में टोहाना सीआईए पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद गांव काज लेहड़ी के पास से एक युवक को 255 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। पुलिस से छानबीन में सामने आया है कि युवक अनदीप और इसके परिवार के लोग नशा बेचने का काम करते हैं। उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार टोहाना सीआईए पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव काजल हेड़ी निवासी कलावती, उसका बेटा मनदीप और रमनी उर्फ चीनू जो कि कलावती के दूसरे बेटे राम निवास का बेटा है, नशीला पदार्थ बेचने का काम करते हैं। सूचना पाकर पुलिस गांव काजल हेड़ी पहुंच गई। जब पुलिस की टीम गांव काजल हेड़ी के पास पहुंची तो सामने से दो युवक आते दिखाई दिए और पुलिस टीम को देखकर मुड़ गए। इनमें रमनी तो मौके से फरार हो गया और अमनदीप पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए वहीं खेत में बैठ गया। पुलिस ने अमनदीप को काबू करके उसकी तलाशी ली तो उससे 255 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने बाद में अमनदीप की मां कलावती को भी गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने बताया कि फरार आरोपी पोता रमनीक दिल्ली से नशे की सप्लाई लाता था, जबकि दादी कलावती और चाचा अमनदीप आसपास के इलाके में नशे को छोटी छोटी मात्रा में बेचते थे। सीआईए टोहाना की टीम ने मुखबरी के आधार पर छापा मारते हुए मां बेटे को 255 ग्राम हेरोइन और महिला से 6500 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हमारी जो सीआईए टोहाना की टीम है उसके द्वारा गांव कादलेड़ी से एक और वह उसके बेटे को 255 ग्राम चिट्टा ओब्लिक हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है और उनका पोता एक है रमनिक गौर का जो दिल्ली से नागरिक को दोनों को आगे बेचने के लिए सप्लाई करता था, वो मौका से भाग गया जिसको इसी दिन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये इनका प्रीवियस रिकॉर्ड पुलिस चेक कर रही है। जो इनका पोता था जो लेडी का रमणी वही जाता था और उसको ही आगे बताया वो कहाँ से जाता था जो उसको पूछताछ में पता लगा कहाँ से लाया। क्या कहाँ से ये अभी तक तो शुरुआत में जो पता लगा दिल्ली से लाया है, लेकिन जो सारी जो खुलासा है वो उसका जो इसकी 25 लाख के आसपास मार्केट में तो सप्लाई के लिए फतेहाबाद करता था या कहीं और भी। ये अभी है ना ये इस इलाका में लोकल छोटे मोटी सप्लाइयाँ करते थे छोटे छोटे उसमें ये कद लड़ी से ही पकड़े गए हैं। ये टोहाना की टीम द्वारा मुखबरी का आधार पर इनको पकड़े। अभी तीन हैं टोटल, एक औरत है, एक उसका बेटा है अमनदीप और एक उनका रोड का पोता है रमनिक जो भाग्या मौका से और वही लेकर आता था इनको बेचने के लिए। फतेहाबाद से राजेश भांबू, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।